मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक आरक्षक के वीडियो वायरल होने के बाद एसपी छतरपुर ने उसे निलंबित किया है। दरअसल आरक्षक हरिशरण यादव जो कि जिले के प्रकाश भवनी थाने में पदस्थ थे, उनके दो अलग अलग वीडियो वायरल हुए और इस वीडियो में आरक्षक जहां एक शख्स के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं तो दूसरे वीडियो में आरक्षक एक शख्स से पैसे लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ तो एसपी छतरपुर अगम जैन ने कार्यवाही करते हुए आरक्षक को निलंबित कर दिया। हरिशरण यादव इस आरक्षक का नाम बताया जा रहा है। एसडीओपी लोकस नगर को एसपी के द्वारा इस पूरे मामले की जांच भी सौंपी गई है। जब इस संबंध में एसडीओपी लोकस नगर से बात की गई तो उनका यह कहना था कि यह वीडियो लगभग 2 से 3 साल पुराना है। आरक्षक किस शख्स को पीट रहा है, पीटने वाला शख्स कौन है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं हो सकी है और ना ही अब तक किसी भी शख्स के द्वारा इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। पूरे मामले को लेकर एसपी छतरपुर क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। प्रकाश भमरी थाना क्षेत्र के थाने के एक आरक्षक का वीडियो संज्ञान में आया है और उस वीडियो संज्ञान में आते ही आरक्षक को निलंबित किया है, लाइन अटैच किया है और एसडीओपी लवकुश नगर को प्राथमिक जांच दी है तथ्यों को जांच करने के लिए। साइट पे थाना प्रकाश भमरी का एक वीडियो वायरल हो रहा था आरक्षक का, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक मोहन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया है, साथ में जांच के आदेश भी दे दिए थे। थाना प्रभारी प्रकाश भमरी से इस संबंध में चर्चा की गई, उन्होंने बताया कि ये वीडियो 2 साल 3 साल पुराना है और उसको वीडियो को बारीकी से देखा, जिसमें जो एक बच्चे दिख रहा है महिला कैमरे टाइप का, उसमें भी अभी पेंटिंग हो रखी है पिछले 1.5 साल से, तो समझ में आ रहा है कि पुराना और एक में हरा हरा कलर है, इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि वीडियो पुराना है, पर इसकी जांच की जाएगी। अच्छा सर, ये विवादित रहते हैं आरक्षक हरिचरण यादव जी, तो इनके अभी तक ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया पुलिस विभाग के द्वारा? पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पूर्व में भी एक शिकायत मिली हुई थी, जिस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए थे, हटाया भी गया था। वर्तमान में तत्काल संज्ञान में आने के बाद में